खान एंड द पाकिस्तान आर्मी, वो एक ही जो कॉइन है ना उसके दो अलग अलग हिस्से हैं हमारे लिए, वो दोनों ही मतलब डेंजरस ही हैं। इमरान खान की अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो वो क्या बात करता है, हिज ये है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खैबर पख्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ और फिर एक अपना पश्तूनिस्तान बनाए जहाँ पे जो पश्तून्स हैं उनकी हुकूमत होगी और एकदम से, और ये बोले कि भाई ऐसे ही करते हैं ना ये, मतलब कुछ भी डिसीजन ओवरनाइट ले लेते हैं। तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा कहीं से पैसा आ जाए तो ये बोले हाँ हम करा देते हैं इलेक्शंस, बट कैसे कराएंगे ना, जो जो इमरान खान की पार्टी के जो निकल गए जो लोग जो बलोच लिबरेशन के लिए जो भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या फिर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो शुरू से हैं उनके साथ अब उन रही है, और पाकिस्तान का जो इंटरनल टर्मोइल है जो उनका खुद का अंदरूनी जो सियासी बहरान वैसे तो वो हमेशा ही चलता रहता है बट अभी वो इट्स एट इट्स पीक, तो उसका फ़ायदा बहुत सारी इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज कर रही हैं वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं, TTP इज नो एक्सेप्शन। तो ऑफ कोर्स दे आर फोर्जिंग अलायंसेस विद बलोच लिबरेशन और इंसर्जेंट ग्रुप्स, ये तो काफ़ी देर से चलता आ रहा है कि वो TTP और जो बलोच लिबरेशन के लिए जो भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या फिर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो शुरू से हैं उनके साथ अब उन्होंने भी, बलोच जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना उन्होंने भी एक अम्ब्रेला के अंडर वो आ गए हैं, पहले वो अकेले अकेले लड़ते थे तो वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ गए हैं, और जो TTP है दैट इज प्राइमरली मतलब दैट्स व्हाट दे क्लेम, आई वोंट से कि वो ऐसा करते हैं बट दे क्लेम टू बी प्राइमरली रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पश्तून कम्युनिटी इन पाकिस्तान। उनके हिसाब से वो जो पश्तून जो लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले उनकी शिनाख्त की लड़ाई वो लड़ रहे हैं या फिर उनको प्रोटेक्ट करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं जो पॉलिटिकल एक स्ट्रगल कर रही हैं विद इन दी पाकिस्तानी बाउंड्रीज, दे आर नॉट सीकिंग सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान बट वो हकूक की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हो गया ये पश्तून तहफ़ मूवमेंट, ये हो गई पोलिटिकल साइड, फिर ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे TTP जिसको पाकिस्तान ने एक टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया हुआ है, उनके ऊपर ग्लोबली भी बहुत सैंक्शंस है, तो ऑफकोर्स उनका एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खैबर पख्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ और फिर एक अपना पश्तूनिस्तान बनाए जहाँ पे जो पश्तूनज हैं उनकी हुकूमत होगी और जिस तरह का भी लाइफस्टाइल वो लोग मेजॉरिटी उनकी पसंद करती है उसको वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि हम फोर्सेस को ज्वाइन करें विद द बलोच ताकि टुगेदर दे एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स और वो जो पाकिस्तान की हुकूमत है या फिर जो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर सकें। तो मेरे पास एज सच कोई न्यूज़ नहीं है, मैंने जब आपने बताया तो मैंने चेक किया तो कुछ राइट विंग अकाउंट्स हैं इंडिया के जो से कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही बना लिया, उन्होंने उसको कह दिया कि ये फ्री ही हो गया है अब ये हमारे अंडर आ गया है। मतलब ऐसे ये चीज़ें होती रहती हैं, TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ वो डिक्लेयर कर देते हैं फिर उनकी फौज जाती है उनको हटा देती है फिर वो फिर आ जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान का मसला ये है कि स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा जैसे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा हथियार है लोगों के पास। इनफैक्ट इमरान खान की खुद की जमात के लोग इसके बारे में बात करते रहे हैं, शहबाज गिल भी पहले यही धमकी देते थे कि अगर खान को किसी ने पंजाब में हाथ लगाया तो उसको बचाने वाले फिर वो पख्तूनख्वा से आएंगे, वहाँ पर हर किसी के पास हथियार है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ इंसर्जेंसी टू फाइट फॉर द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, क्योंकि हर किसी के पास हथियार है, हर कोई हथियार चलाना जानता है और फिर पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, लोग आराम से आ जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी जो मूवमेंट है उसको हवा मिली है और बलोच ग्रुप्स और जो TTP है ये इकट्ठे बहुत जगह अटैक्स करते हैं, जॉइंट इनके बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं एंड दे कीप डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस इन वन विलेज और वन सिटी फ्रॉम यू नो अनदर लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम। So I don't think we should read too much into it, even though we would like to. But hakikat jo hai, wo ye hai ki the Pakistan Armed Forces are able to kind of fight them to some extent.
जी सोनम जी, पाकिस्तान के सामने कई सारे ऐसे क्राइसिस हालांकि बहुत वक्त से रहे, लेकिन अभी जो मेजरली हम बात करें काफी वक्त से सिक्योरिटी क्राइसिस जिस पे हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो काफी वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। और हम इकोनॉमी भी बात करते हैं तो IMF को लेकर भी काफी वक्त से जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दारवे कहते रहते हैं कि बात हो रही है, इस महीने हो जाएगी, इस हफ्ते हो जाएगी, लेकिन IMF भी कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं दे रहा है पाकिस्तान को। तो आखिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका सोल्यूशन या सूरत हाल किस तरह से आपको सुलझते हुए देख रही हैं? आई थिंक जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। द चाइनीज हैव ऑलरेडी गिवन देम अ नॉट कि कुछ उन्होंने पैसा रिलीज करने की बात ऑलरेडी कर दी है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि IMF से इनको तो रिलीफ जो है वो नहीं, जितना मुझे समझ में आ रहा है मुझे नहीं नजर आ रहा कि इनको IMF रिलीफ देगा। बिकॉज आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी बार आप फूल कर सकते हैं ना, और कितनी बार आप एक नैरेटिव चला सकते हैं कि भाई अमेरिकन लॉबी और इंडियन लॉबी जो है वो IMF को मना कर रही है हमें आप ताकि वो हमें पैसे ना दें। जो IMF है उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें सिर्फ इंडिया और अमेरिका नहीं है, ठीक है। हर कंट्री की कंट्रीब्यूशन होती है। ऑफ कोर्स अमेरिका इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स, इफ नॉट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, आई थिंक शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट उसमें बहुत सारे मुल्क हैं जिनका सबका एक से होता है। और मतलब अगर किसी को ये लगता है कि IMF में बेवकूफ़ लोग बैठे हैं और वो इस गारंटी के बगैर कि आप उनका पैसा कैसे लौटाएंगे, और स्पेशली जब आपका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप पहले पैसे तो ले लेते हैं जब लौटाने की बात आती है तो आप आएं बाएं शाएं करते हैं, आप कभी उनको एक लॉलीपॉप देते हैं कभी दूसरा देते हैं, तो वो कितनी बार आप उनको फूल कर सकते हैं ना। और फिर जो इनकी इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके बाद कौन ये रिस्क लेगा। अब लुक एट इमरान खान, जब से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको निकाला गया वो बार बार IMF को अपील करते थे कि इनको पैसे मत देना, जो भी की वहाँ की जो निगरान हुकूमत जो भी है कि आप इनको पैसे मत। इमरान खान IMF के साथ डील करने वाले ही इमरान खान थे। हाँ नहीं, वो जब उनको निकाल दिया गया तो वो उनके लिए कहते थे कि जो करंट रिजीम है ये तो रिजीम जो है ये मेरा मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करके ये तो रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने कर दिया है, इनको कुछ पैसे मत देना, ठीक है। वो अमेरिका को ही दोष दे रहे हैं और कि उन्होंने इनकी गवर्नमेंट गिराई है, और फिर अमेरिका से ही कह रहे हैं कि इनको पैसे मत देना, ठीक है। अभी उन्होंने पीछे जो US एड जो वो देते हैं ना, जी उन्होंने ये भी बोला कि इमरान खान ने ये भी एक स्टेटमेंट दी कि आप जो है पाकिस्तान मिलिट्री को जो है आप US एड ना दें, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को तो खत्म करने पे तुले हैं। तो फिर उनको एक मैसेज भी भिजवाया गया कि मतलब ये चीज़ जो है आर्मी में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो लोग अनसेटल हो गए कि भाई ये अब उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को हर्ट करना शुरू हो गया ना। क्रेडिबिलिटी तो पहले ही उनके पास नाम की ही थी, वो एक पर्दा बना हुआ था जो हट गया। मैं ये चीज़ नहीं मानती कि पाकिस्तान आर्मी को अब कंट्रोवर्शियल कर दिया है। कुछ बड़े पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं जो कहते हैं हमारी फौज को कंट्रोवर्शियल कर दिया, कंट्रोवर्शियल कर दिया इमरान खान ने। भाई आपकी फौज कब कंट्रोवर्शियल नहीं थी, ठीक है। आपकी फौज वही पहले तो हमेशा से रही है, जी वो ओपन सीक्रेट है। तो दे डिडंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी टू बिगिन विद, ठीक है। तो इमरान खान ने बस क्या किया है कि वो पर्दा हटा दिया है, और वो उसने अपने खुद के मकासद तो वैसे तो उसके खुद के हैं, बट लार्जली लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो कोई पता नहीं तहरीक लेके आ गया है जमहूरियत को लेके, बट उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। पर आई थिंक वो जो इनकी गुगली है ना कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमें अगर पैसा नहीं दिए तो फिर हम सबके लिए एक दर्द सर बन जाएंगे। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ यूजफुल इडियट्स इन द वेस्ट हु एक्चुअली बाय दैट, एंड आई एम श्योर कि इवेंचुअली देर विल कम अ पॉइंट जब इस चीज़ को फिर से कंसिडर किया जाएगा, इस पर डिस्कशंस होंगी। एंड बिलावल भुट्टो हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ लॉबिंग अराउंड, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू, आई मीन आप पाकिस्तान जैसी कंट्री से तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना कि वो एक्सेल करेंगे या फिर वो कोई G20 में आ जाएंगे जी अगले 3-4 साल में। यू जस्ट एक्सपेक्ट देम टू गेट ऑन कि आप चलो ठीक है, यू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, देर इज नो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एज सच। इट्स टू बिग ऑफ अ कंट्री फॉर एनीबडी टू इवन थिंक ऑफ इन्वेडिंग। और या फिर वो मुझे लगता है कि उनकी जो आर्मी है एटलीस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इट इज
इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स. बट आई थिंक बुरान जो है उनका वो चलता रहेगा, महंगाई जो है वो बढ़ती रहेगी, आम आदमी की चीखें ऑलरेडी निकल रही हैं वो निकलती रहेंगी, बट इवेंचुअली दे विल बी एबल टू मैनेज. थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहां से लिया, किसी को धमकी दी, किसी को मुक्का दिखाया, एंड यू नो ऐसे करके वो मैनेज करते रहेंगे. बट ऑफकोर्स इनको लॉन्ग टर्म में जो है वो कुछ सोचना पड़ेगा. वो विजन आपको नहीं जब दिखता है ना, तो फिर आपको इंडिया के लिए भी ऐसे डर सा लगने लगता है कि यार आपके बगल में लिटरली एक यू नो टाइम बॉम्ब जो है वो टिक कर रहा है. ऑफकोर्स दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, उसमें बहुत अंदर चले जाएंगे. बट we don't we see stable pakistan has never been a boon for india for sure. jab bhi pakistan bahut stable raha hai hame uska jo hai koi uska positive effect dekhne ko nahi mila. in fact hamare sath hamesha pakistan ne sabse zyada shararatein tabhi ki hain jab stable raha hai. but again theek hai hame koi aisi chahat nahi hai, mere ko to koi aisa mother teresa syndrome nahi hai jaise sushant sareen kehte hain ki main bolu ki bhai inki bhalai mein hamari bhalai hai, apne muh se bhi niwala nikal ke inko de do. india cannot afford an unstable pakistan also beyond an extent. absolutely theek hai ki wo cheeze us level pe chale jaye ki hame masle hone lage. but so far so good. in fact i think थोड़ा सा वो अंदर ही बिजी है, तो इट वर्क्स फॉर अस. बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान जब आपने जैसे कि आपने कहा स्टेबल होता है तो भी भारत के लिए सरदर्दी बनता है, और जो इंस्टेबिलिटी है वो बियॉन्ड द पॉइंट चली जाएगी या ऐसा हो सकता है तो भी भारत के लिए खतरा बन सकता है. लेकिन जब हम इमरान खान की बात करें, आपने इमरान खान को लेकर कहा कि वो बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की यूएस को लेकर, इमरान खान की बात करें या बिलावल भुट्टो की बात करें, डेमोक्रेसी तो उनके कैरेक्टर में या एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्वालिटीज इमरान खान में नजर नहीं आती है, तो इक्तदार से निकलने के बाद डेमोक्रेसी की बात किस तरह से कर रहे हैं? यार आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जो इसको बाय भी करते हैं कि वो डेमोक्रेसी की लड़ाई कर रहा है. मैंने कोई इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं जो बड़े पॉपुलर एडिटर्स भी हैं उनके आर्टिकल से पढ़े, कह रहे हैं कि इमरान खान की जो लड़ाई है वो डेमोक्रेसी की है. मतलब इट्स बियॉन्ड मी, इट गिव्स मी अ ब्रेन फ्रीज कि लोग इस तरह से सोच भी सकते हैं. ठीक है, अभी एक और कोई एनालिस्ट है वो कोई मोदी गवर्नमेंट को लेके उनका बड़ा कोई डिसलाइक है, और पाकिस्तान में बड़े वो फेमस है, वो कोई एक अपना स्ट्रेटेजिक एक चैनल चलाते हैं, चाइना पे बहुत ज़्यादा वो कमेंट करते हैं. मैं उनका भी उस दिन एनालिसिस सुन रही थी, और वो कह रहे थे कि मतलब मुझे लगा कि चलो इंडिया में तो जो ये जो भी बोलते हैं ज़्यादातर मेरा उसके साथ इख्तलाफ होता है, और मुझे लगता है कि यार ये जस्ट बिकॉज इनकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, मोदी को पसंद नहीं करते तो ये कुछ भी कहते हैं. ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है मेरा बायस हो, मुझे ऐसा लगता हो कि ये बंदा बायस्ड है, तो मैं इसका आज पाकिस्तान के एक अनरिलेटेड टॉपिक पे देखती हूँ दैट व्हाट हैज ही गॉट टू से. तो मुझे हैरानी हो रही थी अंबर, डोंट वांट टू नेम द पर्सन बट ही इज क्वाइट अ पॉपुलर पर्सन, मतलब वेटरन रह चुके हैं वो, और वो कह रहे थे कि मतलब इमरान खान जैसा जो आदमी है उस वो तो उसको तो कभी वो कभी मेगालोमेनियाक हो ही नहीं सकता, उसके पास तो इतनी शोहरत थी, उसको ज़रूरत क्या थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने की. ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि इमरान खान तो हमेशा से बात करना चाहता था, वो तो डेमोक्रेट है, देखो वो तो आज भी कह रहा है. मतलब एज समबडी हु इज बीन फॉलोइंग दिस रकस सर्कस फॉर इयर्स नाउ, आई कैन सेफली टेल यू कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पॉलिटिक्स की. ठीक है, इमरान खान का एक क्रिकेटिंग करियर आपका होता है, बट आप वो इट्स अ लिमिटेड करियर, क्रिकेटर्स कब तक खेलते हैं? ठीक है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हाउ मच मनी डू दे मेक, राइट? ये इंडिया में तो आप बहुत पैसा बनाते हैं, राइट? पाकिस्तान में कोई ऐसे एवेन्यूज तो है नहीं, और इमरान खान के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो उनकी क्या ही कोई नेटवर्थ थी? उन्होंने इतना पैसा कमाया, उन्होंने फिलेंथ्रॉपी के नाम पे इतने यू नो मिलियंस को समेटा फ्रॉम द एनआरआई कम्युनिटी, सॉरी फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी, एंड एज वेल एज फ्रॉम मेनी इंडियंस. यू नो इंडियंस को भी उन्होंने बड़ा कोई उनके दोस्त वोस्त थे यहाँ पे क्रिकेटर्स, उन्होंने इनके लिए